हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मुजीद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी चैनल में आपको बहुत सारी अलग अलग ओपनिंग और नॉवेल्टी मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन नॉवेल्टी लाया हूं ओपनिंग में ब्लैक से, और जो कि बहुत सारी गेम्स खेली जा चुकी है और वर्ल्ड में E4 E5 सब लोगों को पता है, किंग पॉन ओपनिंग बहुत ही फेमस है। उसके बारे में ब्लैक से जबरदस्त अटैकिंग और काउंटर प्ले वाली ओपनिंग जो कभी आपने शायद देखी भी नहीं होगी, मैं आज आपको दिखाऊंगा। और मूव बाय मूव सारे वेरिएशन आप लर्न कर लीजिए, बहुत ही मजा आएगा गेम खेलने में। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट E4 E5, यहाँ पे कोई नॉवेल्टी नहीं है, ये सिंपल मूव है, बुक मूव है। नाइट F3 नाइट C6 ये भी बुक मूव है। दोस्तों, नॉवेल्टी कब आएगी मैं बताता हूँ। बिशप C4 ये भी बुक मूव है, बिशप लाइन इसको बोलते हैं, इटालियन ओपनिंग भी कह सकते हैं। नाइट F6 और यहाँ पे आएगी नॉवेल्टी नाइट G5। ये ज़्यादातर प्लेयर खेलते हैं कि नाइट G5 और नाइट टेक्स पॉन। यहाँ पे एक बेसिक D5 वाला मूव है जो पहले सब लोगों ने पता है कि नाइट G5 के बाद D5, लेकिन इसमें वाइट का बहुत ही अपर हैंड रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं D5 वाले में क्या होता है। E takes D5, देन नाइट टेक्स D5, उसके बाद नाइट सेक्रीफाइस आता है वाइट की ओर से और ब्लैक बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाता है। जैसे कि किंग टेक्स नाइट किया और उसके बाद Qf3 चेक विथ डबल अटैक ऑन क्वीन टेक्स नाइट और किंग। तो यहाँ पे नाइट को बचाने के लिए फोर्स मूव रहेगी किंग E6 और सारे मूव्स आपके ऊपर कंटिन्यूस फोर्स आते रहेंगे। नेक्स्ट मूव नाइट C3 हो सकता है, D4 हो सकता है, कैसलिंग वाइट की ओर से, और आपका किंग सेंट्रलाइज हो जाएगा और आप बहुत ही दिक्कत में फंस जाओगे। लेकिन मैं आपको ऐसा होने नहीं दूंगा। तो पहले देखिए कि D5, यहाँ पे D5 परफेक्ट मूव है। दोस्तों, D5 तो आपको करना ही है, उसके बाद मैं आपको नया मूव बताता हूँ। उसके बाद आता है B5, ये एक नॉवेल्टी वाला मूव है और बहुत ही बढ़िया है, और मैं इसे आजमा चुका हूँ, बहुत सारे गेम में खेल चुका हूँ और बहुत सारे गेम्स इससे जीता हूँ। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है दोस्तों, बिशप F1 वाइट की ओर, तीन ऑप्शन है, बिशप F1 या फिर बिशप टेक्स B5 और तीसरा ऑप्शन है पॉन टेक्स नाइट। तो तीनों ऑप्शन हम बार बार देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बिशप F1। बिशप F1 में आपको ब्लैक से रिप्लाई देना है नाइट D4, नाइट D4 और ये पॉन को सपोर्ट। उसके बाद वाइट खेलेगा C3 और यहाँ एक आपको बेस्ट ऑप्शन है नाइट D5। अब ये पॉन टेक्स नाइट और आपको खेलना है क्वीन G5 और काउंटर प्ले में आपको नाइट मिलता है बिशप टेक्स B5 चेक। अब ये चेक में कोई भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको खेलना है किंग D8। अब आपको ये लगेगा कि कैसलिंग रुक गया ब्लैक का, लेकिन ब्लैक के पीसीस देख सकते हो आप कितने अग्रेसिव अटैक में है। यहाँ पे वाइट कुछ कर नहीं पाएगा, ध्यान से देखिए। आफ्टर क्वीन F3 नाइट पे अटैक और सिंपल पॉन टेक्स पॉन और यहाँ से नाइट को सपोर्ट कैसलिंग, और यहाँ पे आपको खेलना है रुक B8। दोस्तों, यहाँ पे बिशप C4 नाइट पे प्रेशर आएगा, सिंपल बिशप B7 से सपोर्ट कर देना है E3। यहाँ पे D3 के बाद डिस्कवर्ड अटैक जो आपके क्वीन के ऊपर है, सिंपल उसका रिप्लाई है नाइट E3। बहुत ही जबरदस्त मूव है, यहाँ पे बिशप टेक्स नाइट फोर्स है क्योंकि क्वीन टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, बिशप टेक्स क्वीन भी यहाँ पे अटैक में है। तो यहाँ पे नाइट E3 के बाद ब्लैक वाइट रिप्लाई देगा बिशप टेक्स E3, यहाँ सिंपल आपको खेलना है पॉन टेक्स बिशप। अब वाइट के पास एक ही ऑप्शन है क्वीन G3, अदरवाइज क्वीन G2 चेकमेट की थ्रेट है। तो क्वीन G3 के बाद पॉन टेक्स पॉन चेक। अब यहाँ आप देख सकते हो कि किंग H1 फोर्स है क्योंकि रूक टेक्स अगर F2 किया तो सिंपल क्वीन B1 चेक, देन यू कैन विन द रूक बाय क्वीन टेक्स पॉन। और बिशप C5 भी डेंजर मूव आ रहा है, और अगर क्वीन टेक्स F2 किया, क्वीन टेक्स F2 में भी बिशप C5
देन पॉन्टेक्स पॉन्पुस और बिशप सेक्रीफाइस और उसके बाद यहाँ पे फोर्स चेकमेट आ रही है। तो किंग एच वन ओनली ऑप्शन है और इसके रिप्लाई में क्वीन एच फाइव और इसके बाद ब्लैक टोटल गेम विनिंग में है। आप देख सकते हो कि ग्राफ में व्हाइट का जो माइनस है बहुत ही माइनस है इस पोजीशन में। उसके बाद दूसरा मैं दिखाता हूँ वेरिएशन दोस्तों, यहाँ पे बिशप एफ वन के बजाय और क्या खेल सकते हैं। जब बी फाइव खेला तो दूसरा ऑप्शन बिशप एफ वन के बदले दूसरा ऑप्शन देखते हैं बिशप टेक्स बी फाइव। बिशप टेक्स बी फाइव में क्वीन टेक्स डी फाइव और काउंटर अटैक ऑन बिशप, तो व्हाइट खेलेगा नाइट सी थ्री और यहाँ पे क्वीन जी टू, बहुत ही जबरदस्त मूव है। क्वीन एफ थ्री फोर्स मूव है दोस्तों, क्योंकि क्वीन एच वन की थ्रेट है। तो क्वीन एफ थ्री, उसके बाद क्वीन टेक्स एफ थ्री, नाइट टेक्स एफ थ्री और उसके बाद बिशप डी सेवन, आफ्टर बिशप टेक्स सी सिक्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिशप टेक्स सी सिक्स के बाद नाइट क्वीन हो जाता है और यहाँ पे ब्लैक बहुत ही प्लस हो जाएगा, इसलिए व्हाइट खेलेगा यहाँ पे डी थ्री। तो डी थ्री के रिप्लाई में आपको देना है नाइट डी फोर, बहुत ही ब्रिलियंट मूव है। यहाँ पे नाइट फोर्क है, नाइट टेक्स नाइट और नाइट टेक्स बिशप, तो फोर्स मूव व्हाइट के लिए होगा बिशप डी सेवन, किंग डी सेवन, देन नाइट टेक्स डी फोर। अब आप सोचोगे कि नाइट टेक्स ई फाइव क्यों नहीं, पॉन क्यों नहीं लेता व्हाइट। पॉन लेने से उसका पीस या तो एक्सचेंज देना पड़ेगा, मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे पॉन टेक्स नाइट, नाइट ई टू और रूक ई एट और ब्रिलियंट पोजिशन इक्वल पॉन के साथ, और व्हाइट के जो दो दो आइसोलेटेड पॉन है एंड गेम में काफ़ी आपको फायदा होगा इस गेम में। दूसरा देखते हैं, अगर वो नाइट टेक्स जैसे कि नाइट टेक्स ई फाइव किया तो सिंपल किंग ई सिक्स, देन नाइट को सपोर्ट करेगा या नाइट मूव करेगा तो नाइट सी टू से सिंपल गेम एंडिंग विनिंग है क्योंकि एक्सचेंज अप हो जाते हैं यहाँ पे दोस्तों। तीसरा वेरिएशन दिखाता हूँ आपको, थर्ड वेरिएशन, यहाँ पे डी फाइव के बाद जैसे कि हमने देखा कि बी फाइव, बी फाइव में थर्ड वेरिएशन डी इंटू सी सिक्स, डी इंटू सी सिक्स में आपको पॉन टेक्स बिशप लेना है। आफ्टर क्वीन ई टू विथ डबल अटैक, अगर आपके दोनों पॉन पे अटैक करता है क्वीन डी फाइव, बहुत ही बेस्ट मूव है। कैसलिंग के बाद सिंपल बिशप डी सिक्स, नाइट सी थ्री और क्वीन टेक्स सी सिक्स, डी फोर, यहाँ पे एनपास में पॉन मार देना है पॉन टेक्स और उसके बाद कैसलिंग। अब ये पोजीशन भी बहुत ही ब्रिलियंट है, नाइट टेक्स नाइट के बाद बिशप बी सेवन और यहाँ से भी ब्लैक काफी अपर हैंड है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइसोलेटेड पॉन है जो वीक पॉन है और डी थ्री पॉन पे प्रेशर आके आप विन कर सकते हो। नाइट भी यहाँ पे स्टॉप हो गया, नाइट मूव करेगा तो सिंपल क्वीन टेक्स जी टू चेकमेट की थ्रेट है, बहुत सारी जबरदस्त पोजीशन के साथ ये गेम आप जीत सकते हो। तो दोस्तों ये ओपनिंग कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, ऐसे ही बहुत सारी नॉवल्टी में आपके लिए लेके आऊंगा और खेल के ट्राई कीजिए, आप मुझे याद करोगे और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिए। हर एक वीडियो मेरे जबरदस्त होते हैं और आपको कुछ न कुछ हर एक वीडियो में कोई ना कोई हर एक ओपनिंग में नया सीखने को मिलेगा। रेगुलर ओपनिंग तो सभी लोगों को आती है, जैसे क्वींस गैम्बिट है, फिर उसके बाद जो सिसिलियन है, फ्रेंच डिफेंस है, कैरोकान है, लेकिन नॉवेल्टी जिस लाइन में आती है वही आपको सीखना है, तभी आप किसी स्ट्रांग प्लेयर को हरा सकते हो नॉवेल्टी के साथ में। तो जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय गुजरात।